हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। रवीना टंडन ने 80 और 90 के दशक में अपना कमाल दिखाया है। उन्होंने लगभग हर बड़े और पॉपुलर स्टार के साथ स्क्रीन शेयर की है। एक वक्त था जब डायरेक्टर्स उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए परेशान रहते थे, लेकिन उन्होंने न जाने कितनी फिल्मों को ना किया है। वैसे तो इंडस्ट्री में ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जो एक्ट्रेस उनका को एक्टर के साथ कुछ विवाद हुआ हो। इंडस्ट्री में ये बड़ी ही आम बात है। इस लिस्ट में एक्ट्रेस रवीना टंडन और दबंग खान यानी कि सलमान खान का भी नाम शामिल है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन और सलमान खान वैसे तो कई फिल्मों में नजर आए थे, लेकिन एक समय था जब दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम करने से मना कर दिया था, या यूं कहे तो दोनों ने एक दूसरे के साथ काम ना करने की कसम खा ली थी। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में रवीना ने बताया था कि सलमान और वह दोनों ही एक दूसरे को देखते ही काटने को दौड़ते थे। रवीना टंडन ने बताया कि हम दोनों में काफी कुछ एक जैसा था, बावजूद इसके हमारी पट्टी नहीं थी। हम हर बात पर झगड़ा करते थे। इन दो स्टार के बीच फाइट इतनी होती थी कि कई बार डायरेक्टर्स भी परेशान हो जाया करते थे। जी हाँ, फिर एक किस्से का जिक्र करते हुए रवीना टंडन ने बताया कि फिल्म फूल और पत्थर में हमने साथ में काम किया था। इस दौरान हमारे इतने झगड़े हुए कि हम दोनों ने कसम ही खा ली थी कि हम साथ में कभी काम नहीं करेंगे। बता दें, फिर मौका आया फिल्म अंदाज अपना अपना का, जिसमें फिर से दोनों का आमना सामना हुआ और इस तरह से दोनों की कसम टूट गई और दोनों ने ब्लॉकबस्टर हिट अंदाज अपना अपना में साथ काम किया। हालांकि रवीना टंडन कहती है कि इसके बाद भी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। वो ये भी कहती है कि हम दोनों में वही चीज़ तब भी बरकरार थी और शायद यही वजह थी कि उन्होंने उनके साथ फिल्में नहीं की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रवीना टंडन को 1999 में आई फिल्म हम साथ साथ भी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को भी करने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, आप मान सकते हैं अब कि कितनी ज़्यादा लड़ाई रही होगी रवीना और सलमान के बीच। लेकिन यह अनसुना किस्सा सुनकर आपको कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।